हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट यू अगेन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में, और इकोसिस्टम में हम आप लोग को सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में बताने वाले हैं। लिविंग जो होते हैं उनको फूड के हिसाब से, मतलब न्यूट्रिशन के हिसाब से कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो आज आप लोग का टॉपिक क्या है? इकोसिस्टम। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? तो लिविंग के बारे में जानेंगे, मतलब लिविंग को न्यूट्रिशन के हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, कोई भी लिविंग होता है, क्या है? लिविंग है। उसमें लिविंग में न्यूट्रिशन के हिसाब से, न्यूट्रिशन बोले तो पोषण, किसके हिसाब से? तो पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर जीवधारी को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप ऑफ लिविंग बेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आप लोग का क्या है? स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी। स्वपोषी को हम क्या बोलते हैं? तो स्वपोषी को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा जो होता है, सेकेंड आप लोग का क्या होता है? परपोषी। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा क्या होता है? परपोषी, जिसे हम क्या कहते हैं? तो हेटरोट्रॉपिक। क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक। अब देखिए, हमें सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक एंड व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक के बारे में बताएंगे। हेटरोट्रॉपिक में कौन से जीव आते हैं, ऑटोट्रॉपिक में कौन से जीव आते हैं? तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो क्या होते हैं? तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? तो जो अपना भोजन क्या करते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या करते हैं? तो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आप लोग को बता दिए हैं कि प्लांट्स जितने भी क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सारे वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो क्या करते हैं? तो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भोजन बनाते हैं वो अपने भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। अब देखिए, वही बात करें सेकेंड जो है आप लोग का परपोषी। तो परपोषी ऐसे जीवधारी होते हैं, इसमें सारे एनिमल्स आते हैं। क्या आते हैं? तो फॉर एग्जांपल हम लोग सारे एनिमल्स ले सकते हैं। जितने भी जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक कहते हैं, मतलब जो अपना भोजन क्या करते हैं? जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। किससे? तो जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो परपोषी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम आप लोग को बता चुके हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं? तो परपोषी होते हैं। अब देखिए, जो परपोषी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, वो उसमें भी कुछ ऐसे लिविंग होते हैं जो कई प्रकार से न्यूट्रिशन करते हैं। तो परपोषी को कितने भागों में बांटा गया है? तो चार भागों में बांटा गया है। अब देखिए, बात करें परपोषी की, तो परपोषी को, मतलब हेटरोट्रॉपिक को कितने? चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो इन्हें चार भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? तो सहजीविता है। क्या है? सहजीविता, जिसे हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। और सेकेंड आपका क्या है? सहभोजिता। क्या है? सहभोजिता, जिसे हम क्या कहते हैं? तो सिप्रोफाइट करते हैं। क्या करते हैं? सिप्रोफाइट। अब देखिए, आप लोग का थर्ड क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? परजीविता। इसे हम क्या कहते हैं?
परजीविता जिसे कहते हैं हेटरोफाइट। और वही आप लोग का चौथा क्या है, तो आप लोग का है मृतोपजीविता। क्या है? मृतोपजीवी। ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डेड फाइट। इसे हम क्या कहते हैं, डेड फाइट। अब देखिए आप लोग को सिंपली हम बता दें कि ये जितने भी होते हैं जीवधारी, ये सारे परपोषी होते हैं और परपोषियों को न्यूट्रिशन के हिसाब से चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सहजीविता के बारे में। सहजीविता क्या होता है? तो सहजीविता में ऐसे प्राणी आते हैं जो अपना भोजन एक दूसरे के साथ जीवन यापन करके क्या करते हैं, देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं लाइकेन। क्या होते हैं? लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं क्या होते हैं, सहजीविता होते हैं। मतलब बोले तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रह करके जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को भोजन देते हैं, एक दूसरे को आश्रय देते हैं। इनमें ना एक जीव को और एक दूसरे को क्या होता है, लाभ होता है, ना कि हानि होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, लाइकेन होता है, लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। किसे? फंगस से और एल्गी से। लाइकेन और शैवाल, लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। कवक जो भोजन बनाता है शैवाल को देता है और शैवाल जो भोजन बनाता है वो कवक को देता है। इस प्रकार ये दूसरे के साथ साथ जीवन यापन करते हैं, न किसी को हार और लाभ पहुंचाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो सिम्बायोसिस, मतलब सहजीविता कहते हैं। अब देखिए वही बात करें सहभोजिता की, तो सहभोजिता क्या होते हैं, तो इसमें ऐसे जीवधारी होते हैं जो एक दूसरे के शरीर से क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। मतलब वह जीवधारी जो दूसरे शरीर के, दूसरे जीवधारी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है और उसे क्या होता है, लाभ होता है, न कि हानि होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि जित एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं गैंडा होता है, उसके कान में क्या होता है, जो वैक्स होता है, मोम होता है, उसको अदर जितने भी पशु, जितने भी पक्षियां होती हैं उसके कान के वैक्स को क्या करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। इस प्रकार उससे उसका लाभ भी हो जाता है और उस जीव का कोई हानि भी नहीं होता है और उसे कुछ पोषण भी मिल जाता है। तो इस प्रकार के जीवों को हम क्या कहते हैं, सहभोजिता। मतलब वह एक प्राणी से दूसरे, एक प्राणी दूसरे प्राणी से अपना भोजन भी प्राप्त कर लेता है, उसको क्या होता है, लाभ भी हो जाता है। तो इस प्रकार के प्राणी को क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। अब देखिए फॉर हम लोग सेकेंड ले सकते हैं परजीविता। परजीविता किसे कहते हैं, तो ऐसे जीवधारी होते हैं जो एक जीवधारी दूसरे जीवधारी के शरीर से रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, लेकिन उसे क्या होता है, लाभ होता है, और जो जीवधारी पोषण प्राप्त करता है उसे क्या होता है, लाभ होता है। मतलब एक जीवधारी दूसरे जीवधारी से जब पोषण प्राप्त करता है शरीर में रहकर तो उसको हानि होता है और जो जीवधारी पोषण लेता है उसे लाभ होता है। तो इस प्रकार के जीव को हम क्या कहते हैं, परजीविता। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स हो, जितने भी मॉस्किटो, एक मॉस्किटो होता है या फिर अमीबा होता है, ये क्या करता है, दूसरे जीवधारियों के शरीर में रहकर अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, तो उसे तो लाभ होता है, लेकिन जिस जीवधारी के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे क्या होती है, हानि होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। वही बात करें हम मृतोपजीविता की, तो मृतोपजीविता में ऐसे प्राणी आते हैं जिसमें उस जीवधारी, जो जीवधारी होता है वो सड़े गले जंतुओं से, सड़े गले जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी में जो जीवधारी पोषण प्राप्त करता है उससे तो लाभ होता है, लेकिन सेकंड जिससे पोषण प्राप्त करता है उसमें कोई जीव ही नहीं होता है। तो इस प्रकार जो जीवधारी मृतोपजीवी होता है उसको केवल लाभ होता है, अन्य जीवधारी कोई होता ही नहीं है, तो इसमें क्या होता है, मृतोपजीवी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कौवे ले सकते हैं, कौवा होता है, चील होता है, ये सारे क्या होते हैं, तो मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो मृतोपजीवी होते हैं सड़े गले वस्तुओं से, सड़े गले जीवों से अपना पोषण भी प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें लाभ हो जाता है, अदर कोई जीवधारी होता नहीं है।
तो आई होप आप लोग को ये इकोसिस्टम जीवधारी का न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।